हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज एपिसोड 3, और इसके पहले की सीरीज और एपिसोड की लिंक आपको आई कार्ड या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। तो आपकी एक्साइटमेंट ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुपर हीरो जब अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, तब स्पाइडरमैन हमेशा यही पूछ रहा था कि हम पहुंचे या नहीं। उस पर गुस्सा होकर जायंट मैन कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हें शायद 10 या फिर 20 बार कहा है चुप रहने को, और तुम्हारे इस जोक पर कोई हंस भी नहीं रहा। उस पर स्पाइडरमैन अपने जायंट मैन के मुँह पर अपनी वेब्स थ्रो करता है और कहता है, ये देखो नेताजी भड़क गए, मैंने ऐसे ही किसी सिचुएशन के लिए अपना वेब फ्लूड बचा कर रखा था। जायंट मैन चिल्लाकर स्पाइडर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन आयरन मैन और हल्क उसे ये कहकर शांत कर देते हैं कि हम सब यहाँ पर दोस्त हैं। तब स्पाइडी कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तब जायंट मैन गुस्सा होकर जवाब देता है, अपना मुंह बंद रखो, मुझे तो 20 साल पहले से ही तुम पर गुस्सा है, पता नहीं कर्नल अमेरिका के साथ उस हादसे में तुम कैसे बच गए। उस पर स्पाइडी कहता है, मैं उस वक्त वही था और तुम भी, और हमने जो कुछ किया है उस हिसाब से हम में से यहाँ कोई भी होना डिजर्व नहीं करता। तब जायंट मैन उसे अपने रास्ते से हटने को कहता है। तब अर्थ पर डिटेंशन लेवल के बाहर कशाबा अपने दादाजी से बात कर रहा था और कह रहा था कि आप किंग है, वो आपको इस तरह कैद नहीं कर सकते, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तब टचाला अंदर से जवाब देता है, मैं बीमार हूँ मिस वास्प की तरह, हमें कुछ देर यहाँ रुकना होगा। लेकिन कशाबा को अपने दादाजी की चिंता थी, इस वजह से कहीं वो दरवाज़ा ना खोल दे, इसलिए टचाला उसे दरवाजे से दूर रहने को कहता है। तब वास्प उससे कहती है, पैंथर दरवाजे लॉक है, वो उन्हें खोल नहीं पाएगा, शांत रहो। तब पैंथर अपने गट्स अंदर टहलते हुए कहता है, मैं बस उसे अंदर आने से रोकना चाहता हूँ, वरना मैं नहीं जानता क्या होगा। तब वास्प बताती है, उससे बात मत करो, वरना तुम अपनी भूख इग्नोर करने में फोकस नहीं कर पाओगे, ये आसान तो नहीं है पर हमें ये करना ही होगा। वकांडा में किसी दूसरी जगह मैल्कम फोर से कह रहा था कि अब मेरा वक्त आ चुका है। उस पर फोर उसे समझाता है कि अगर तुमने अभी हमला किया तो बाद में टचाला जब सेल से बाहर आएगा तो तुम वहाँ जाओगे जहाँ अभी टचाला है। उस पर मैल्कम कहता है, मेरे पिता और पैंथर ने स्ट्रगल किया था लीडरशिप के लिए और पैंथर जीत भी गया, ये मैं मानता हूँ, पर अब वक्त बदल चुका है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और अब तुम्हारा दोस्त एक मास्टर बन चुका है, तो कोई उसकी क्यों सुनेगा। मुझे पता है उसके बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ हुई थी, इसलिए तुम काफ़ी क्लोज हो, पर अब प्रैक्टिकली सोच कर देखो। हम देखते हैं स्पेस में, जहाँ स्पाइडरमैन लूक केज से कह रहा था, हम हफ्तों से ऐसे फ्लाई कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है हम। तब लूक केज उसकी तरफ गुस्से से देखता है। उस पर स्पाइडी कहता है, चिंता मत करो, मैं दोबारा वो नहीं कहूँगा, मुझे तो ये जानना है कि कोई रास्ता जानता भी है या नहीं। उस पर लूक केज कहता है, आयरन मैन के हेलमेट में ज़रूर कोई नेविगेशन सिस्टम तो होगा ही, चिंता मत करो, और पूछता है, तुम ऐसी हालत में भी जोक्स कैसे कर रहे हो। तब स्पाइडी कहता है, ये सब मेरी सोच है, मैं डॉक्टर ऑक्टोपस या ग्रीन गॉब्लिन से लड़ता था वो इसी बात से डरते थे, ये एक कारगर हथियार साबित होता था, तुम समझ ही गए होगे। तब उस पर लूक केज कहता है, हाँ मतलब ये एक डिस्ट्रैक्शन था फाइटिंग के बीच, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ना ही विलन से लड़े हैं ना ही किसी और से, लेकिन तुम्हारे जोक्स बंद नहीं हुए। उस पर स्पाइडी बताता है, क्योंकि ये मुझे बुरे काम भूलने में मदद करता है, इससे मैं अपना माइंड शांत रख पाता हूँ, ये मुझे एक सोललेस बीस्ट बनने से रोकता है। अब तक जितने इविल लोगों से हम लड़े हैं उनसे अब हम कुछ अच्छे नहीं रहे। अर्थ पर डिटेंशन लेवल में वास्प कहती है, मुझे लगता है मेरी भूख जा चुकी है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। उस पर टचाला बताता है, मुझे नहीं पता लेकिन दर्द गायब हो चुका है। उस पर वास्प फोर्स को बताती है, हम दोनों ही ठीक हो चुके हैं, अब हमें बाहर निकालो। तो फोर्स बताता है कि मैल्कम कोर्टेज ने पूरी कॉलोनी पर कब्जा कर लिया है और कहता है, सारे ज़ॉम्बीज को ख़त्म कर दो। उस पर वास्प कहती है, लेकिन जो ऑर्डर उसने टचाला को मारने के लिए दिया था उसका क्या, उसी की वजह से यह सब हुआ है। तब फोर्ज कहता है, अगर तुम उसे कन्वेंस करना चाहते हो तो बेकार है, और मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। तब वास्प गुस्से में अपना पंच दीवार पर मारती है और उसकी उंगली टूट जाती है। तब फोर्ज स्टेडियम से बाहर आता है, जहाँ मैल्कम उससे पूछता है, गुड बाय कह दिया अपने दोस्तों को। तब फोर्ज कहता है, हाँ लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मैल्कम कहता है, कल सुबह तक अपने सारे ज़ॉम्बी दोस्तों को मेरे हवाले कर देना। तब फोर्ज कहता है, मुझे पता है,
इंसानियत की भलाई के लिए मैं उन्हें ले आऊँगा, लेकिन पता नहीं मैं अपने पोते से नज़रें कैसे मिला पाऊँगा। तो उसी रात थोड़ी देर बाद टचाला वास्प को बताता है, मुझे भूख भी नहीं लगी और मैं थका हुआ भी नहीं हूँ, ये अजीब है। उस पर वास्प बताती है, ये मेरे लिए भी पहली बार अजीब था, ना थकान ना नींद, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर सकते हो। तभी वास्प को बाहर फॉर्ज, रेनॉल्ड्स और हॉकाई का शोर सुनाई देता है और थोड़ी देर बाद रेनॉल्ड्स डिटेंशन लेवल का लॉक खोलते हुए वास्प और टचाला को बाहर आने को कहता है। Thank you.